रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान यानी DRDO द्वारा हल्द्वानी के गोरा पड़ाव स्थित अनुसंधान केंद्र में 3 दिवसीय किसान जवान विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान केंद्र का अति आधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया। किसान जवान विज्ञान मेले में कृषि के साथ साथ कई स्थानीय उत्पादकों को भी प्रदर्शित किया गया। वहीं किसानों को उन्नत तकनीक की जानकारी देने के लिए तमाम स्टॉल भी लगाए गए। वहीं बेहतर पौधे और बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस दौरान अजय भट्ट ने अनुसंधान केंद्र के अति आधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के रिसर्च भी किए जाएंगे। मेले में महिला सहायता समूह के साथ साथ कई सरकारी और निजी संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाए। इसके अलावा आज कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। 61 में ये इंस्टीट्यूट हमारा बना, हमने उस समय खोला। कई जगहों पर उत्तराखंड में भी, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है और गढ़वाल मंडल में है, लद्दाख में है, कई जगह खोलेंगे। उसकी स्थिति उस समय ऐसी थी कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी, हम बॉर्डर इलाके में जा नहीं सकते थे। साग सब्जियां अगर नीचे से ऊपर भेजते थे तब तक वो ख़राब हो जाती थी। तो तत्काल प्रभाव से न्यूट्रिशन किस तरह से अपने जवानों को दिया जा सकता है, वेजिटेबल और नई भाजियाँ, नए किस्म के जो हमारे अन्य फल फूल हैं वो कैसे दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक शुरुआत करी, जो शुरुआत बहुत अच्छी रही। और इससे उनको न नीचे उतरने की आवश्यकता थी और न कहीं मंडी ढूंढने की आवश्यकता थी। जहाँ पर हमारी कंपनी थी, हमारी पहुँच थी, वहीं पर हमारी साग भाजी सारी चीज़ें उत्पन्न करके उनको दे दी जाती थी। आज तो थोड़ा सा परिवर्तन आया है, कनेक्टिविटी हो गई, सारी चीज़ें पहुँचती हैं, तो इस समय इसका महत्व बहुत ज़्यादा था। और आज भी हम इसमें एक से एक अच्छे काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, जैसे सफ़ेद दाग हो जाते हैं, हमने एक ऐसी दवा निकाली है, सफ़ेद दाग को कई लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं लेकिन वो है नहीं, वो कुछ हमारे शरीर में डेफिशिएंसी होती है इसलिए दिखाई देता है। तो वो कैसे ठीक हो, पुरुष को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन हमारी बहनों को, बेटियों को फ़र्क पड़ता था। जब से हमने वो दवाई ईजाद करी, पिथौरागढ़ में करी हमने, अपने जो हमारा वहाँ लैब है उसमें करी, आज जब हमने वो ओपन मार्केट में दे दी है तो कम से कम 1,00,000 लड़कियों की शादी हुई है उसके बाद से। आप दवा खाइए, बिल्कुल साफ हो जाता है। ये यहाँ की हमारी लैब जो है उसका ही हमारा अनुसंधान है। इसी तरह से साग भाजियों में कौन सी चीज़ें हमको पाई जाएंगी, कौन से न्यूट्रिशन होंगे, अगर हम क्रॉस करते हैं तो क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी, किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, उन्नत बीज और खाद कैसे लाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको, हमारे वहाँ कहते हैं ना गोबर की खाद, तो हम इसको प्योर रूप से जो हम यहाँ बना रहे हैं, हमने सर्टिफिकेशन भी करा लिया है। किस चीज़ का हमने सर्टिफिकेशन करवा लिया है अपना, जो केमिकल रहित खाद से बने हुए हमारे भोजन पदार्थ हैं, साग भाजी है, तो हम खाद में डालेंगे ही नहीं, जो आज बाजार की खाद आ रही उसे नहीं डालेंगे, पूर्णतः हमने कहा ना कि गोबर की खाद से बनाएंगे या अन्य जो खादे हैं, कूड़ा करकट जो कचरा निकलता है उससे निकालेंगे, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी हम लोगों ने इसका कर लिया है।